ये कागज पर इसका पैसा निकाला गया है, आज भी रोड एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया गया है। आज भी यदि नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी शर्म और हया हो तो जांच कराएं, डिसमेंटलिंग ऑफ रोड्स, जो एम्बैंकमेंट एग्जिस्टिंग एम्बैंकमेंट था उस पर रोड आज भी बना हुआ है। बाबू ललन सिंह सिंचाई मंत्री तत्कालीन और नीतीश कुमार का सबसे चहेता कंपनी है चड्डा एंड चड्डा कंपनी के नाम को बदल करके फ्रंट लाइन को दिया गया है। वक्त इस कंपनी ने जो चड्डा एंड चड्डा की कंपनी है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अभी नाम हमने दिया है कंप्लीट वही है जो चड्डा एंड चड्डा कंपनी का डायरेक्टर है। यानी सबलेशन से 268 करोड़ रुपए का सिर्फ पेपर पर ट्रांसफर, 268 करोड़ रुपए का। अब ये जो हमारे पास कागज है उसके अनुसार 3 लाख क्यूबिक मीटर काम करना था, कागज पर इन्होंने काम किया है 2 लाख क्यूबिक मीटर का, 1 लाख का मिट्टी खा गया। मिट्टी चोर गिट्टी चोर ये सरकार। कई पत्र ऐसे मिले हैं, डॉक्यूमेंट ऐसे मिले हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज के साथ मैं हूं तनुज मासूम। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने एक प्रेस वार्ता बुलाया, प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने बागमती नदी के तटबंध को लेकर 300 करोड़ का बंदर बांट किया है। इस दौरान उन्होंने कई जरूरी दस्तावेज भी दिखाए। नीतीश सरकार के लिए उन्होंने मिट्टी चोर और गिट्टी चोर जैसे शब्द का भी प्रयोग किया। इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री रेणु कुशवाहा भी मौजूद रही। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अरुण कुमार। हम लोग बराबर ये कहते रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी भ्रष्ट कुनबे से घिरे हुए और अभी कई पत्र ऐसे मिले हैं, डॉक्यूमेंट ऐसे मिले हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आज हम आप साथियों को सिंचाई विभाग का एक नमूना दे रहे हैं, किस तरीके से बिहार की गरीब जनता के टैक्स के पैसे का ये सरकार लूट मचाए हुए है और बेशर्मी से एक बागमती तटबंध का रेजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग का काम 2/1/18 को हुआ, टेंडर बीड हुआ और बीड में इनका प्रिय चड्डा एंड चड्डा कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गया है, इसलिए इन्होंने BSCPL नाम की हैदराबाद की कंपनी का जुगाड़ बैठाया और स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट SBD के माध्यम से यह काम अवार्ड किया गया BSCPL हैदराबाद की कंपनी को। हैदराबाद की कंपनी ने चड्डा एंड चड्डा के रेप्लिकेशन वाली कंपनी जिसका नाम है फ्रंट लाइन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, हैदराबाद से दिल्ली पहुंच गया। अब इसको ये कंपनी ने अपना सारा काम दे दिया। इस कंपनी ने जो चड्डा एंड चड्डा की कंपनी है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अभी नाम हमने दिया है कंप्लीट वही है जो चड्डा एंड चड्डा कंपनी का डायरेक्टर है, सेम कहीं भी पता नाम में कोई परिवर्तन नहीं है, वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। फ्रंट लाइन ने जो चड्डा एंड चड्डा का नया इनकार्नेशन है
पुनर्जन्म है इस भ्रष्टाचारी कंपनी का, जो बाबू ललन सिंह सिंचाई मंत्री तत्कालीन और नीतीश कुमार का सबसे चहेता कंपनी है, चड्डा एंड चड्डा कंपनी के नाम को बदल करके फ्रंट लाइन को दिया गया है। वक्त फ्रंट लाइन ने एपेक्स मोहाली पंजाब की एक कंपनी को सबलेट कर दिया काम, और इस तरह की 10 छोटी छोटी कंपनियों को सबलेट कर दिया। तो सबसे बड़ा वायलेशन यह है कि एसबीडी, जिसको स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसके प्रोविजन के अनुसार कोई कंपनी सबलेट नहीं कर सकता है, काम को सबलेट नहीं कर सकता है, इसलिए कि फाइनेंशियल और टेक्निकल कैपेसिटी के मूल्यांकन के आधार पर ही किसी कंपनी को अवार्ड किया जाता है काम की गुणवत्ता के दृष्टि से। तो एसपीडी के रूल का वायलेशन है सीधा। और दूसरा चीज कि 580 करोड़ का काम जब फ्रंटलाइन को ट्रांसफर किया गया और एपेक्स को जब ये सबलेट किया, तो रेट में क्या अंतर है सो जरा मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सीरियल नंबर 5 का एक आइटम है, डिसमेंटलिंग ऑफ रूट्स, ड्राई ब्रिक्स, पिचिंग ऑफ ब्रिक्स, सोलिंग, साइट क्लियरेंस। इसका रेट है फ्रंट लाइन के साथ इसका एग्रीमेंट जो हुआ है वह 210 रुपए पर क्यूबिक मीटर, और इसने सबलेट किया है 160 रुपए पर क्यूबिक मीटर। 210 रुपए फ्रंट लाइन के साथ एग्रीमेंट है और सबलेट किया है 160 रुपए पर क्यूबिक मीटर। आइटम नंबर 5-6 में रेट इनको इन्होंने कोट किया है सरकार के साथ एस्टिमेट के हिसाब से 322 रुपए पर क्यूबिक मीटर, 322 रुपए पर क्यूबिक मीटर। इन्होंने सबलेट किया है 150 रुपए पर क्यूबिक मीटर। सीरियल नंबर 7 में अर्थवर्क का है, जिसमें 109 रुपए पर क्यूबिक मीटर रेट कोट किया गया है, इन्होंने सबलेट किया है 40 रुपए पर क्यूबिक मीटर। आइटम नंबर 8 में 133 रुपए पर क्यूबिक मीटर सबलेट किया है, 80 रुपए पर क्यूबिक मीटर। 162 रुपए पर क्यूबिक मीटर को 88 रुपए पर क्यूबिक मीटर, 196 रुपए पर क्यूबिक मीटर को 96 रुपए पर क्यूबिक मीटर, 230 रुपए पर क्यूबिक मीटर को 104 रुपए पर क्यूबिक मीटर, 264 रुपए पर क्यूबिक मीटर को 112 रुपए पर क्यूबिक मीटर, और 297 रुपए पर क्यूबिक मीटर को 120 रुपए पर क्यूबिक मीटर, 43 रुपए पर क्यूबिक मीटर को 25 रुपए पर क्यूबिक मीटर। यानी सबलेशन से 268 करोड़ रुपए का सिर्फ पेपर पर ट्रांसफर, गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा सुशासन बाबू, जो ईमानदारी का इतना बड़ा तगमा बांधे हुए हैं, 268 रुपया सिर्फ पेपर ट्रांसफर करता, 268 करोड़ रुपए। ये तो मैं एक नमूना बता रहा हूं 268 करोड़ रुपए का। अब ये जो हमारे पास कागज है उसके अनुसार 3,00,000 क्यूबिक मीटर काम करना था, कागज पर इन्होंने काम किया है 2,00,000 क्यूबिक मीटर का, 1,00,000 का मिट्टी खा गया, 1,00,000 क्यूबिक मीटर की मिट्टी चोर, गिट्टी चोर ये सरकार। और बागमती का जो कितना फ्लड प्रोन एरिया है, किस बेशर्मी के साथ इन लोगों ने 300 करोड़ रुपया 500 करोड़ में 300 करोड़ रुपया कागज पर ट्रांसफर कर,
1,00,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी खा गया। और ये जो काम आपको बतलाया डिसमेंटलिंग ऑफ रोड्स, ये डिसमेंटलिंग ऑफ रोड नहीं हुआ है, ये कागज पर इसका पैसा निकाला गया है। आज भी रोड एग्जिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया गया। आज भी यदि नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी शर्म और हया हो तो जांच कराएं, डिसमेंटलिंग ऑफ रोड्स, जो एम्बैंकमेंट एग्जिस्टिंग एम्बैंकमेंट था उस पर रोड आज भी बना हुआ है और नीचे से लेके ऊपर तक की मिट्टी को नाप दिया गया है। ये 300 करोड़ अलावे भी जो 200 करोड़ रुपया है उसमें भी कमीशन है, उसमें भी सारा जो दस्तूर है इनका वो सब है। और मिट्टी की भारी चोरी है, अब इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी, यानी 550 करोड़ रुपए का काम में 50 करोड़ का भी जमीन पर काम नहीं हुआ। ऐसे नहीं लोग मोटा गए, ऐसे नहीं चुनाव में एक एक क्षेत्र पर 100-100 करोड़ रुपया लुटाने के लिए तैयार होते हैं। ये जनता के लूटी हुई ऐसी गाढ़ी कमाई जिसमें गरीब लोग, मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार जी छाती पर हाथ रख करके एक बार अपने से पूछिए कि बिहार की जनता दवा के बिना मर रहा है, शिक्षा का कुप्रबंधन है, शिक्षक लाठी खा रहे हैं और आपके मंत्री मलाई खा रहे हैं, ये पचेगा? और आप ईमानदारी की बात करते, यह जल जीवन हरियाली नहीं है बल्कि इन लुटेरों से को दूसरा माल परोसने का एक नया सगुफा है। और ये एंटी फ्लड प्रोग्राम के तहत हुआ है, आप समझ जाइए कि एंटी कितना क्रिमिनल अप्रोच है, कितना हृदयहीन है लोग। तो यह बिना मुख्यमंत्री की सहमति के नहीं संभव है, इस तरह का लूट मुख्यमंत्री की सहमति के बिना संभव नहीं है। यदि मुख्यमंत्री में जरा भी लोक लाज है तो इसकी जांच करें, सीबीआई से इसकी जांच कराएं, अन्यथा मैं इसे कोर्ट में ले जाऊं। मैं जानता हूं आजकल सीबीआई इन पर मेहरबान है, इसलिए कोर्ट के मॉनिटरिंग में जिस तरीके से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का तमाशा बन रहा है, आवाम पीड़िता कुछ कह रहा है और सीबीआई का बयान कुछ आ रहा है, तो हम लोगों को न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि यह इससे निर्घृण काम और कुछ हो नहीं सकता, लूट का 50 करोड़ रुपया लगा करके 500 करोड़ रुपया निकाल लेना, 300 करोड़ का तो डिफरेंस है जो सबलेशन का है, जो सारे मानक के विरुद्ध है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप भी लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं, निश्चित तौर से इस बात को जनता के पास ले जाएं कि कितनी भ्रष्ट ये सरकार है, भ्रष्टाचार में किस सीमा तक संलिप्त है, और फिर न्यायालय का हम शरण लेंगे। अब हम अनुरोध करेंगे कि बिल्कुल सारा काम करेंगे सड़क से लेके न्यायालय तक। कब तक टाइम बाउंड है क्या कुछ? एक आध हफ्ता का समय देंगे मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार का या कंप्लीट निगल जाना चाहते हैं। इस माह के लास्ट तक कर देंगे कोई? बिल्कुल, वो तो बहुत समय हो जाएगा। हम तो एक हिसाब से तो लग रहा है कि डीपीआर घोटाला है, पहला घोटाला। देखिए ये एस्टीमेट घोटाला है, डीपीआर ही उसको कह सकते हैं, एस्टीमेट घोटाला है, जिसको जीता नाम मांझी जी ने उजागर किया था म्यूजियम में। इनके सारे कामों, चाहे वो बापू सभागार हो, चाहे पटना म्यूजियम हो, चाहे विधायक विधानसभा का एक्सटेंशन हो, ये सारे चीजों में हर एक चीज में 60% एस्टिमेट घोटाला है। इसमें तो 101% है, 101% का घोटाला है। इसलिए मिट्टी में तो इतना बड़ा घोटाला कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कितने कलाकार को इन्होंने इंजीनियर साहब ने बहाल किया है।
अपने इंजीनियर होने से कितना फायदा है कि लूट का आयाम किस दूरी तक जा सकता है ये साफ पता चलता है। लेकिन बड़ी शब्दों का चयन करते हैं, सृजन घोटाला, घोटाला भी तो सृजन का, विध्वंस का घोटाला नहीं करते हैं, सृजन का घोटाला करते हैं। जिस केस में फाइल को डिले करने के लिए लालू यादव जेल में हैं और जयश्री ठाकुर पर कार्रवाई 4 साल नहीं हुआ, उस सृजन घोटाला में इनको बचाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो कवच लेकर के आए हैं कि भ्रष्टाचार जितना भी करें हम पर कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी कभी प्रकृति मेहरबान आवाम, गरीब आवाम पर भी होती है। अब हम समझते हैं कि यह सब मामला खुल करके आएगा, सीबीआई से उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट के मॉनिटरिंग में जब होगा तो ये भी सब बात उगलेंगे। लेकिन जब एनडीए में आए थे महागठबंधन से नीतीश कुमार, तब तो आपने बहुत अच्छा इनको कहा था कि अच्छा काम करते हैं, ईमानदार हैं, स्वच्छ हैं। हमको तो हाल तक लग रहा था कि और इनका जो गड़बड़ी हो, लेकिन पैसे की कमजोरी नहीं है, लेकिन अब तो डॉक्यूमेंट लोगों ने ला के दिया कि आपके जो ईमानदार मुख्यमंत्री, गुड गवर्नेंस वाले, हम तो विपक्ष में भी रहे, उनके खिलाफ भी बोलते रहे तो चोरी का इल्जाम नहीं लगाते थे। आज एक हफ्ता पहले किसी ने दिया कि ये डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट ये है जिसमें उनके ऑफिशियल्स का सिग्नेचर है, और इसको पढ़ने के लिए आपके लिए हमने बड़े फॉन्ट में टाइप करा दिया है, और ये डॉक्यूमेंट है जिस पर उनके सारे ऑफिशियल्स का एग्रीमेंट का सिग्नेचर है, ये सब मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ। अब इसके बाद मैं कहूँ कि नीतीश कुमार दूध के धोए हुए हैं तो हम भी उस दूध में डुबकी लगा रहे हूँ, इसलिए आप कह रहे हैं जो ठीक है, मैं सहमत हूँ। पीएम को लिखिएगा लेटर इस मामले में, पीएम को भी लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, लेकिन न्यायालय पर ज्यादा उम्मीद है, चूंकि पीएम तो सृजन घोटाला में इनको बचा रहे हैं। अरुण बाबू, आप उनको मिट्टी चोर गिट्टी चोर की संज्ञा दे रहे हैं। जी जी, मिट्टी चोर गिट्टी चोर, अब इससे बड़ा मिट्टी का चोरी और क्या हो सकता है। मिट्टी खा गया इनका मंत्री तो ये भी खाया है ना, इनका पदाधिकारी ब्यूरोक्रेसी खाया तो ये भी खाए हैं, 1,00,000 क्यूबिक मीटर सीधे कागज पर खा गए, और उसके अलावे जो चोरी है वो तो अनंत है, टुकड़ा टुकड़ा मत कीजिएगा, एक पूरा सेट है। अच्छा, इसका क्या प्रमाण है कि 1,00,000 क्यूबिक मीटर काम नहीं हुआ? इसलिए कि उसी काम का कागज पर पैसा निकालने के लिए छोटे कॉन्ट्रैक्टर से डिस्प्यूट हुआ, तब हमको कागज आप, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिस्प्यूट नहीं होता तो ये चोरी का माल सब बच जाता। वो डिस्प्यूट हुआ उसी 1,00,000 क्यूबिक मीटर का, वो कहा कि हम कागज बनाएंगे तो हमको भी कुछ दीजिए, 10% दीजिए, नहीं हुआ विवाद के बाद ये कागज हमको हाथ लगा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं कि 1,00,000 क्यूबिक मीटर जो बच नहीं रहा था उसी से ये मामला प्रकाश में आया। अभी तो बिहार को बचाना है इन भ्रष्टाचारियों से। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।